हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर बैक विद अ न्यू क्वेश्चन। कैलकुलेट इनपुट इम्पीडेंस एंड करंट I1। हमें I1 और इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू बतानी है, तो कैसे निकालेंगे? Z1, Z2 और ZL की वैल्यू दे रखी है हमें। तो क्या देखो, इनपुट इम्पीडेंस जो होगा वो क्या होगा? इनपुट इम्पीडेंस यहीं से देखेंगे हम। तो यहाँ से मुझे क्या दिखाई देगा? इस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, जेड इनपुट इम्पिडेंस जो होगा वो क्या होगा? वोल्टेज, यानी वोल्टेज ये दे रखा 50 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री वोल्ट अपॉन करंट I1। तो मुझे I1 चाहिए इनपुट इम्पिडेंस के लिए, और मुझे I1 की वैल्यू वैसे भी पूछी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे इसका, देन सॉल्व करेंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं इसका, क्या कैसा होगा इक्विवेलेंट सर्किट? ये होगा प्लस माइनस 50 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री वोल्ट। यहाँ पे हमारा Z1 60 माइनस J100, ये इंडक्टर, इंडक्टर के सीरीज में लगा, जब चेंज करते हैं तो लगाते हैं एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ऐसे सेकंड वाले के लिए करो, सेकंड कपल्ड इंडक्टर उसके साथ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और बाकी का सर्किट एज इट इज ड्रॉ करना है। 30 प्लस J40, ये कितना आ जाएगा? 80 प्लस J60, ठीक है। इसमें करंट की डायरेक्शन इस टाइप से है I1, और इसमें I2 की डायरेक्शन इस टाइप से है। ये दे रखा J20 और ये देखा J40। अब यहाँ पे पोलरिटी क्या होगी? देखो यहाँ पे I1 क्या हो रही है, इस वाले डॉट में एंटर कर रही है। I1 क्या एंटर कर रही है, और I2 क्या हो रही है, इससे लीप कर रही है। तो ये केस हो गया एंटर और लीप का। जब केस एंटर और लीप का होता है, एंटर एंड लीप के केस में क्या करते हैं, पोलरिटी जो होती है नेगेटिव पॉजिटिव होती है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होगी उसकी डायरेक्शन में हमें पहले नेगेटिव लेना है, देन पॉजिटिव, ठीक है। तो पहले यहाँ पर नेगेटिव ऐसा आ रही है, देन पॉजिटिव। इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा मुझे J5 मल्टीप्लाई बाय करंट फ्लोइंग इन अदर अदर इंडक्टर। तो इस दूसरे वाले इंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है? I2। ऐसे ही इसकी पोलिटी नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि पहले नीचे से आ रही है ना ये करंट इस टाइप से, और इसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट फ्लोइंग इन सेकंड फर्स्ट इंडक्टर। तो इस फर्स्ट वाले में कितनी करंट फ्लो हो रही होगी? I1, ठीक है। बस ये बन गया। अब इसको क्या करते हैं, सोल्व करना शुरू कर दो। KVL से KVL लगाता हूँ मैं पहले वाले रूप में, क्या आएगा? J5 I1 प्लस इससे भी I2, इससे भी I2, इससे भी I2, कितना आ जाएगा ये? J40 प्लस 30 प्लस J40 प्लस 80 प्लस J60 I2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से I1 की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी सॉल्व होके I2 28 माइनस J22, ठीक है। और इसको चेंज कर लो कितना आएगा, इसको अगर मैग्नीट्यूड में चेंज करना है तो मैग्नीट्यूड में चेंज होकर आएगा ये 35.61 एट एन एंगल ऑफ माइनस 38.16, इतने डिग्री। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई बाय क्या? I2, ठीक है। तो ये आ गया एंगल। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये एंगल कैसे निकाला होगा मैंने, ये फोर्थ क्वाड्रेंट मारा तो माइनस 10 इनवर्स 22/28 इस टाइप से निकाला होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन है। अब से फर्स्ट वाले में लगाओ तो यहाँ से आ जाएगा ये, KVL लगाओ, माइनस 50 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री प्लस इससे और इससे दोनों से I1 करंट फ्लो हो रही है, तो 60 माइनस J100 प्लस J20 I1 माइनस J5 I2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैं इसको इधर उठा के ले गया और I1 की वैल्यू मैं यहाँ से लगा दे रहा हूँ, तो ये बचेगा कितना, 60 माइनस J80। I1 की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी है, ये 28 माइनस J22 I2, और ये ऑलरेडी यहाँ पे J5 I2 इजिकल्स टू ये कितना हो जाएगा, 50
एट एन एंगल ऑफ 60। कितना बचेगा ये, यहाँ से I2 के लिए हम सोल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा कितना आएगा 50 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री अपॉन माइनस 80 माइनस जे 3565। इसको चेंज करो मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड आएगा इसका, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.014। एंगल जो आएगा, एंगल आएगा 151.28 इतने डिग्री, ठीक है, इतने एम्पियर करंट आ गए। तो ये एक बार यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, मैं एक बार बता दूँ ये वाला एंगल जो निकालेंगे कैसे निकालेंगे, ये कहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये हो गया माइनस 80 और ये हो गया मैंने मान लिया माइनस 3565, ठीक है। तो एंगल हमने पहले भी एंटीक्लो कैसे मेज़र करेंगे, कैसे मेज़र कर सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ आ रहा होगा, मैंने मान लिया मैं करंट ये वाला पॉइंट है, मैं एंगल जो मेज़र कर रहा हूँ क्लॉक वाइज डायरेक्शन मेज़र कर रहा हूँ, तो ये 80 और ये 90, इन दोनों को मैं एंटी क्लॉक, जब क्लॉक वाइज में मेज़र करते हैं तो क्या हो जाता है, एंगल एंगल जो हो जाएगा यहाँ से, ये जो एंगल आएगा कितना हो जाएगा माइनस ऑफ थीटा प्लस ये 90 डिग्री। तो थीटा जो होगा वो कितना होगा, थीटा जो होगा टेन इनवर्स, थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, यानी 80 अपॉन बेस कितना 3565 प्लस 90 डिग्री, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे और इसमें क्या कर देंगे ऊपर जाकर 60 ऐड कर देंगे तब जाके ये आएगा 151.28, ठीक है। इतना काम करना है, मैंने एंगल बता दिया, कभी एंगल में सोचते रहो कि ये कहाँ से आया, ठीक है। अगर आप एंटी क्लॉक वाइज मेज़र करने गए तो कुछ और हो सकता, क्लॉक वाइज मेज़र करेंगे तो ये आएगा 151.28। तो I2 की वैल्यू आ गई, I1 की हमें पता ही है, I2 के टर्म में कितनी थी, यहाँ पे लगा दो इसकी वैल्यू बस 35.61 माइनस 38.61, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है किससे 0.014 151.28। तो यहाँ से I1 की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, तो I1 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 एट एन एंगल ऑफ, एंगल ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 113.12 इतने डिग्री एम्पेयर, I1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। I1 की पूछी थी एक तो हमसे, और पूछा गया Z in क्या था हमारा, बस I1 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो जेड इन जो था हमारा 50 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री अपॉन ये हो जाएगा I1 की वैल्यू कितना है 0.5 113.12 इतने डिग्री। तो जेड इन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 100, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा ये माइनस 53.12 डिग्री इतने ओम, ठीक है। तो ये आ गई हमारे जेड इन की वैल्यू, दोनों हमसे पूछा गया था, दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, इसी टाइप से हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।